हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जो कि है गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी। कल से हमने रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने नंबर सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे या उनके मेथड्स को देखा था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ 15 या 20 क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो तैयार करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 3, 7, 15, 31, 63 और 127। हमें इसमें पूछा गया है कि इसमें रॉन्ग टर्म कौन सी है। चलो बताइए, सोल्व करते हैं। देखिए, आप तैयार करके देखिए इसमें क्या रॉन्ग टर्म है। चलो हम सोल्व करते हैं। देखिए, इधर क्या आता है, प्लस 4, 3 + 4 = 17 होता है। इधर देखिए प्लस 8, इधर देखिए प्लस 16, इधर देखिए इधर क्या आएगा, प्लस 16 पर गया प्लस 32। नेक्स्ट टर्म कौन सी आ रही है हमारी, वो आ रही है प्लस 64, 127 बन रहा है। हमें पूछा गया था कि इसमें रॉन्ग टर्म कौन सी है या नेक्स्ट टर्म कौन सी है, तो हमें नेक्स्ट टर्म बतानी हो या रॉन्ग टर्म बतानी हो तो हमें देख लेते हैं कि इसमें रॉन्ग टर्म कौन सी आएगी। हमारे से जैसे यहाँ पे कोई भी टर्म दे रखे हो, 39 लिख रखा हो या यहाँ पे लिख रखा हो 16, तो हम वहाँ पे उसके हिसाब से सोल्व करके देख लेते हैं जिसमें हमारा रॉन्ग टर्म आ जाएगी। अब देखिए, इससे हमें नेक्स्ट टर्म पूछी गई है, तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए कितना आ रहा है, 4, 8, 16, 32, 64 के बाद कितना आएगा, 128। तो इसमें 127 एंड 128 कितना होता है, होता है 255 होता है। तो हमारी नेक्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 255। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपने कल घर पे ट्राई किया होगा, आप सभी ने, देखते हैं आज पता चल जाएगा आपने कितना ट्राई किया है, और घर पे दोबारा प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 4, 12, 36 एंड 72। हमें पूछा गया है कि हमारी जो रॉन्ग टर्म है ना, वो कौन सी है इसमें। चलो देखते हैं, हम सोल्व करते हैं। देखिए, इधर 2, इधर क्या आएगा अपना, इधर 2 से मल्टीप्लाई करने तो आ रहा है 4, लेकिन इधर क्या आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर इधर कितना आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा या 2 पे से मल्टीप्लाई आएगा। अब देखिए इधर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आना चाहिए 6, फिर वापस 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ रहा है 12, ठीक है। फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ रहा है, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा, ठीक है। लेकिन हमें इसमें पूछा गया ना रॉन्ग टर्म कौन सी, तो हमारी 4 है ना, वो रॉन्ग टर्म दे रखी है, इसलिए हमें जो राइट आंसर क्या होगा हमारा, वो आ जाएगा 4 है वो रॉन्ग टर्म है इसमें। और जो यदि पूछ ले कि हमारा 4 के राइट आंसर क्या होगा, तो वो होगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा, उसकी जगह 6 हमारा राइट आंसर होगा उस टाइम पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप एक जरूर कीजिएगा, जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे कराते हैं उनको बार बार में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको एक दो क्वेश्चन ही सोल्व कर पाएंगे, और हमारे हरियाणा में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़रूरी आते हैं इस पे, नंबर सीरीज पे, या तो आपको मिसिंग टर्म पूछ लेगा या नेक्स्ट टर्म पूछ लेगा या रॉन्ग टर्म पूछ लेगा। इसलिए तैयारी है ना, वो ज़रूर कीजिए, इससे 2 या 3 नंबर का आपको ज़रूरी फ़ायदा होगा इसमें। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1, 3, 10, 21 एंड हमसे पूछा गया है कि नेक्स्ट टर्म क्या है। आप सोल्व करके देखिए एक बार क्या है हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसमें 1, 3, 10, 21 में। देखिए आप ट्राई करके देखिए, देखिए हम करते हैं, देखिए 2 + 1 यानी कि 1 × 2 = 2 और प्लस 1 करते हैं तो 3 आ रहा है अपना। अब आगे देखिए हमारा क्या आएगा, × 3 + 1 10 आ रहा है। आगे देखिए, आगे क्या आएगा, × 2 + 1 = 21 आ रहा है अपना। आगे देखिए क्या आएगा, टर्म है ना ये, एक के बाद एक रिपीट हो रही है, एक हो गया, नेक्स्ट टर्म 3 + 1 क्या आ गई, उससे आगे फिर 2 + 1 × 2 + 1 आ रही है। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इसके टर्म आएगी ना वो मल्टीप्ली 3 + 1 आ जाएगी। कितना आ जाएगा वो देखिए आप, 64 आ रहा है अपना, 64 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 64, हमारा राइट आंसर होगा। आपसे उसमें पूछ लिया जाएगा कि हमारा 60 दे रखा है, 62 दे रखा है, 63 दे रखा होगा और 64 होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या कर देंगे हम, 64 राइट आंसर कर देंगे हम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए हमसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है 1 9 6 1 6 9 1 4 4 1 2 1 and 100। हमसे पूछा गया है कि इसके बाद 100 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी ना वो कौन सी टर्म है। चलो देखिए आप ट्राई करिए पहले तो। देखिए अब करते हैं इसको सोल्व हम। देखिए 196 कितने का स्क्वायर होता है, सबको पता है कि ये 14 का स्क्वायर होता है, 196 होता है वो 14 का स्क्वायर होता है। 169 कितने का होता है, वो होता है 13 का स्क्वायर। एक बात और है आपको सभी है ना जो 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर तो सभी के याद करने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके कौन सा भी हो नंबर सीरीज हो या मैथ से रिलेटेड के क्वेश्चन हो कोई भी, उसमें हर बार ही इन स्क्वायर वगैरह का तो कुछ एक बार आ ही जाता है काम, तो इसलिए ये स्क्वेयरिंग भी ज़रूर देखिए। चलो इसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 169 कितने का होता है 13 का स्क्वायर होता है, 144 कितने का होता है वो होता है 12 का स्क्वायर, 121 कितने का होता है वो होता है 11 का, और 100 किसका होता है 10 का। यानी कि हम देखिए इधर से देखते हैं 14 के बाद 13 आ रहा है, 12 आ रहा है, 11 आ रहा है, 10 आ रहा है, मतलब हमारी नेक्स्ट कौन सा है 10 के बाद कितना आएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है तो हमारी 100 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी ना वो आएगी हमारी 81 नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। चलो ठीक है इतना समझ में आया सबको। अब देखते हैं आगे, ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपको 1 से 20 तक तो जो है ना स्क्वायर की वैल्यू है या अंडर रूट वगैरह निकालना है या क्यूब रूट वगैरह निकालना है वो ध्यान में रखिएगा आप सब, वरना इसके बिना तो आपको यदि क्यूब वे भी आ सकती है नंबर सीरीज या किसी स्क्वायर रूट पे भी को आ जाएगा या आपको सिंप्लीकेशन वगैरह कर रहे हैं तो भी इनकी वैल्यू ज़रूरी हो जाती है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 10 36 100 and 1080। इस ये क्वेश्चन हमारे पहले एक बार पेपर में आ चुका है, इसमें हमसे पूछा गया था कि हमारे जो इसमें टर्म दे रखे ना उसमें कौन सी रॉन्ग टर्म दे रखी है। ठीक है चलो अब देखते हैं। देखिए इधर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमारा कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है फिर 9 को यहाँ से करें, ठीक है 9 को 9 आ रहा है हम तो 9 लेके चलते हैं तो 9 को 4 से करेंगे, 9 लेके चलते हैं 4 से करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 36 आ रहा है। अब 36 को 5 से करें, 36 को 5 से कितना करेंगे, सॉरी हमने गलत लिख दिया था, 100 नहीं 180 है ये। ठीक है 100 नहीं आएगा ये 180 है हमारा, यहाँ पे ये है हमारा 180। तो 36 को 5 से कितना करेंगे तो हमारा 180 आ रहा है, और वो 180 को जब हम 6 से कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 180 आ रहा है। ठीक है चलो अब देखते हैं हमारा, यानी कि हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में, हमें तो 10 दे रखा है लेकिन हम जब इस सीरीज़ को सोल्व करके देख रहे हैं तो हमारे 10 पे प्लस पे कौन सी वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 9। तो हमसे ऑप्शन में दे रखा होगा 10 36 180 या 1080। तो हमसे जो राइट आंसर होगा ना वो आ जाएगा 10 आ जाएगा, कहीं भी 10 है वो रॉन्ग टर्म दे रखी है इसमें। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं हम अब। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कल आप सबने इस चीज़ को प्रैक्टिस करके ज़रूर देखा होगा और नहीं भी किया है तो आज तो प्लीज़ ज़रूर करके देखिएगा आप इन सब क्वेश्चंस को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमें वो दे रखा है एक और दे रखा है 144 121 100 और फिर है 81 and 64। और नेक्स्ट टर्म है ना वो हमसे पूछी गई है, अभी अभी हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था, उससे पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था। अब देखिए आप सब सोल्व करके देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए फिर से वही बात है, ये मैंने आपको अभी बताती 1 से 20 लेकर सभी के स्क्वायर वैल्यू है ना वो आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए भी मैं आपको यदि नहीं भी याद है तो मैं आपको कल या परसों में इसकी 1 से 20 तक के एक अलग से वीडियो बनाकर है ना वो शेयर कर दूंगा आप सबको, और यदि नहीं भी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम जिसके भी पूछ रही हो। चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 144 कितने का होता है 12 का स्क्वायर होता है,
121 कितने का होता है, वो होता है 11 का स्क्वायर होता है। 100 किसका होता है, वो होता है 10 का स्क्वायर होता है। एंड 81 कितने का होता है, वो होता है 9 का स्क्वायर। एंड 64 कितने का होता है, 8 का स्क्वायर। हमें पूछा है कि इसमें नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, तो देखिए 12, 11, 10, 9 एंड 8। 8 के बाद क्या रहा है, हमारा 7 आ रहा है। 7 आएगा तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, हमारा होता है 49। तो इसमें नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 49 आ जाएगी नेक्स्ट टर्म। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 49 हमारा राइट आंसर है। चलो ठीक है, इतना समझ में आप सबको। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी एक बार पेपर में आ चुका है, चलिए देखते हैं। 3, 4, 8, 16 हमसे पूछा गया था कि जो हमारी 16 के बाद है ना, वो नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, बताइए आप सब। सोल्व करके देखिए एक बार कितना आ रहा है। देखिए देखिए हम बताते हैं, देखिए इधर 3 + 1 करें तो कितना आ रहा है, 4। अब देखिए इन दोनों को जोड़ें, 3 + 4 + 1 करें, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट टर्म निकालनी है हमें, तो 16 से अगली टर्म पूछी गई। अब देखिए 3 + 4 + 8 + 1 कितना आ रहा है, बताइए। आ रहा है 16। अब हमसे पूछा गया है कि 16 से बाद कौन सी टर्म आएगी। अब देखिए हम करते हैं 3 + 4 + 8 + 16 + 1। अब देखिए इनके बाद जोड़ करें तो हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, बताइए। 32 आ रहा है। देखिए 3 + 4 = 7, 7, 8 and 15, 15 + 1 = 16, 16 + 16 = 32। क्या होगा, 32। तो हमसे ऑप्शन में दे रखा है 35, 36, 38 और 39। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ई पे दे रखा होगा या और कुछ दे रखा होगा, वो होगा हमारा 32 राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमने आपको कल कुछ मल्टीप्लिकेशन एडिशन सीरीज, इंक्रीजिंग मल्टीप्लिकेशन हो, कॉन्स्टेंट एडिशन हो, ऐसे कुछ ये सीरीज कराई थी। एक कराई थी हमने भाई, एक तो मल्टीप्लिकेशन थी ना वो सेम थी, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं। आप सब भी ट्राई करके देखिएगा। देखिए 10 है, 40 है, 40 के बाद दे रखा है हमें 160, 640। हमसे पूछा गया है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब देखिए इंटू 4 40 आ रहा है, इंटू 4 करें तो 160 आ रहा है, एंड 160 इंटू 4 करें तो कितना आ रहा है, 640 आ रहा है। अब हमसे पूछा गया था कि 64 के पास हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी। देखिए 640 इंटू में 4 आएगा तो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी, वो आ जाएगी 2560 आ जाएगी। इतना देखिए, ये हमारी थी जो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन था ना, उस सीरीज पर आधारित क्वेश्चन है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। आज मैं आप सभी को सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि हमने जो कुछ इसमें जितने ज़्यादा टाइप आ सकती थी ना, वो सारी टाइप कल डिस्कस कर ली थी। उससे ज़्यादा आपके हमारे हरियाणा के पेपरों में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा ये। लेकिन आप यदि बैंकिंग में जाते हैं ना, बैंकिंग के सेक्टर में जाते हैं, तो आपके है ना सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ उतना ही करेंगे जितना हमारे हरियाणा के लेवल में आ सकता है। चलिए मैं आपको एक या दो क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर उसके बाद आप सब कल, यदि आज आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 64, 71, 80, 91 एंड 104 हमसे पूछा गया है कि इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगी। देखिए आप बताइए, आप पहले सोचिए कि इसमें नेक्स्ट टर्म क्या हो सकती है। ठीक है, देखिए हम करते हैं 64 + 7 = 71 होता है, 71 + 9 = 80 आ रहा है, 81 + 11 = 91 होता है। ठीक है, एंड 91 + 13 कितना होता है, 104 होता है। एंड 104 से नेक्स्ट 15 करें तो हमारा कितना आएगा, 119 आएगा। तो हमसे ऑप्शन में पूछा गया था भाई इससे क्या जाएगा, 155 आएगा,
या 1 2 3 आएगा, 1 1 9 आएगा या 1 2 6 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर वो होगा, वो क्या हो जाएगा, 1 1 9 9 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। चलो हम आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 7 8 12 एंड 16। हमसे पूछा गया था कि इस टर्म में जो टर्म दे रखे हैं ना, वो हमारे एक बार एचएसएससी के एक दो प्रश्न पेपर में ये दो तीन बार रिपीट भी हो चुका है प्रश्न। हमें इसमें पूछा गया था कि इसमें रॉन्ग टर्म कौन सी दे रखी है। अब बताइए, देखिए 6 प्लस 0 करूँ तो 6 ही आएगा, 6 में 0 ऐड करने पे। अब इधर कर रहा हूँ 1 तो कितना आएगा, अब बताइए अब कितना आएगा, 7 आएगा। अब 7 यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग हो रहा है एक बार। अब 1 करता हूँ तो 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर तो 1 नहीं कर सकते ना, इसलिए हमारी देखिए यहाँ पे देखिए हम 2 करके देखते हैं, देखिए 2 करके देखते हैं, 7 प्लस 2 हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। अब प्लस 3 करें तो 12 आ रहा, मैंने नेक्स्ट टर्म आ रही है 12, ठीक है, वो भी नेक्स्ट टर्म इसने ठीक दे रखे। अब 12 के बाद में प्लस 4 करें तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ रही है वो 16 आ रही है, यानी कि हमें 8 दे रखा है ना, वो रॉन्ग टर्म दे रखी है इसमें। ठीक है, अब देखिए आपसे कई बार पूछ लेगा कि भाई ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, नेक्स्ट टर्म दे देगा, लेकिन हमें दो बीच में नेक्स्ट टर्म मिसिंग कर देगा और हमें फिर भी, जैसे हमने यही क्वेश्चन किया है, इसी क्वेश्चन पे एक बार फिर से देखते हैं। देखिए देखिए हमें 6 6 दे दिया, 7 दे दिया और बाद में दो टर्म ना वो छोड़ दी, और हमसे ऑप्शन में दे देगा, ए में दे दिया क्या आएगा 8 12 आएगा, बी में दे देगा कि 9 12 आएगा, सी में पूछ लेगा कि 6 12 आएगा, या ई में कुछ देगा, इनमें से नन ऑफ द वो लिख देगा, हमसे पूछ लेगा कि इन दोनों टर्म पे कौन सा आ रहा है। तो हमें इस वही बात है, 0 इनमें देखिए प्लस 0, इधर क्या आएगा प्लस 1, इधर देखिए प्लस 1, 0 से एक टर्म बड़ी हो रही है तो प्लस 2 हमारा क्या आएगा 9, और 9 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, ठीक। तो हमें ऑप्शन में सीधा डायरेक्ट पता चल जाएगा भी 9 और 12 आ रहा है, तो 9 और 12 एक ही ऑप्शन में है बी में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 एंड 12। तो हमें से एक ही नहीं भी एक ही टर्म पूछ ले रहा है, या एक से ज़्यादा टर्म भी पूछ सकता है, इसलिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा है ना सोल्व करके देखें इस तरीके को। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 10 14 20 एंड 28, या इस पे दे रखा है हमें 27। ठीक है, अब बताइए हमें इसमें पूछा गया है कि रॉन्ग टर्म कौन सी है। आप देखिए एक बार, पहले आप सब ट्राई करके देखिए फिर मैं बताता हूँ, ट्राई कर रहे हैं आप सब, चलो देखते हैं पहले। देखिए मैं बताता हूँ आपको, इधर देखिए प्लस 2 10 आ रहा है, अब प्लस 2 के बाद आ रहा है हमारा कितना आ रहा है प्लस 4, इधर क्या रहा है प्लस 6, इधर क्या रहा है, इधर दे रखा है हमें 27 दे रखा है, लेकिन हमारा क्या चाह रहा है प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, हमारा क्या आना चाहिए प्लस 8 आना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 88। यदि 20 और 8 करें तो हमारा देखते हैं 28 आता है, लेकिन नो रॉन्ग टर्म दे रखे हमें, दे रखे 27। तो हमारा तो राइट आंसर है ना भाई, पूछा गया है कि रॉन्ग टर्म कौन सी लिखी गई है, तो रॉन्ग टर्म कौन सी हो जाएगी 27 है वो रॉन्ग टर्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकेले मेरे से कुछ नहीं होगा, आप घर पे जब तक ट्राई नहीं करेंगे ना तो आपको तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। आप घर पे ट्राई ज़रूर करके देखिए सभी प्रश्नों को, आपको समझ नहीं आता है तो मुझसे कहिए, हम कमेंट सेक्शन में या हम अपना पर्सनल नंबर है वो शेयर कर देंगे, आप सभी उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 201 210 226 एंड 251। हमसे पूछ लिया गया कि इसमें नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे, अब बताइए आप क्या रहे हैं इसमें नेक्स्ट टर्म। देखिए देखिए इधर है 201 है एंड 2 9, मैं करूँ 3 का स्क्वेयर 9 और 201 और 9 कितना आया 201 आया। अब देखिए इसमें देखिए 4 का स्क्वेयर 6
16 एंड 10 कितना आएगा, 226 आ जाएगा। अब देखिए आगे हमारा है 5 का स्क्वेयर, 226 एंड 25 कितना आएगा, 251 आ जाएगा। एंड 251 के बाद हमसे पूछेगा कि नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, तो हम नेक्स्ट टर्म इधर देखिए 3 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 6 का स्क्वेयर, 36, 251 एंड 36 कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 287, ये तो होगा 287 ही तो आएगा। ठीक है, आप सबको समझ रहा है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 4, 8, 24, हमसे पूछा गया था कि नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी। अब देखिए 4 into 1 4 आ रहा है, 4 into 2 8, वो into 3 24, एंड 24 into 4 कितना आ जाएगा, 24 into 4 बताइए, 86 या 96 आएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखिए कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो नंबर सीरीज में, किसी भी क्वेश्चन में सीरीज प्रॉब्लम आ रही है ना, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और हम इसकी आपको पीडीएफ भी थोड़े दिनों में, एक या दो दिन में अवेलेबल करा देंगे, जो कि हमारी वेबसाइट पर एक या दो दिन में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।